आज हम लोग कक्षा 9 सेमेस्टर प्रथम भाग जो आपके संस्कृत का पाठ्यपुस्तक है उसका द्वितीय पाठ स्वर्ण कागह सोने का होगा। अब ये स्वर्ण कागह जो है ये देखिए आप लोग ये जो पाठ है श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा सप्तम सप्तम मतलब 100 विश्व की 100 कहानी है ना, जो ज्ञान वर्धक प्रेरणा प्रेरक कहानी का संग्रह है नामक कथा संग्रह से लिया गया, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक गाथाओं का कथाओं का संग्रह है। विश्व कथा संग्रह लोक कथा लोगों के द्वारा जो बोलचाल की भाषा में जो कथा आप लोग किस्सा कहानी सुनते हैं तो उसको इन्होंने संग्रह किया और इसका अनुवाद इन्होंने संस्कृत में करके एक जो है विश्व कथा सप्तम नाम की रचना की। इनके नाम है श्री पद्म शास्त्री। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, बर्मा जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं है ना, उसी का एक कहानी लोक कथा है ना। इसमें लोग और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंख वाले प्रोमो के माध्यम से किया गया है। इस पाठ में दो चीज आपको बताया गया कि लोग के क्या दुष्परिणाम होता है, दुर्जोर परिणाम खराब विजय लोग से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उससे हमें क्या फायदे होते हैं, इसी के तहत सुपर में इसमें क्या गया है। बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक और प्रेरक प्रसंग है, तो आप लोग अच्छे ढंग से और मैं इस पाठ को प्रारंभ करूँ इससे पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ पाठ को बार बार बढ़िया से सही उच्चारण करके पढ़ने का प्रयास करोगे, अर्थ समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपका जो ये जो सिलेबस होता है उसमें आपके पाठ से पैसेज दिए रहते हैं, पाठ से भी दो तीन पैसेज रहेंगे है ना, मतलब एक गद्य का एक पद्य का एक नाटक का, वो उससे कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड रहेगा, इसीलिए आप ध्यान से उसको सुनेंगे। अब जैसे देखिए पहला है पूरा कस्मिंचित ग्रामे, पूरा मतलब पहले कस्मिंचित किसी गांव में ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक बूढ़ी महिला रहती थी, स्त्री रहती थी, तस्या च एका द्विता विनम्रा मनोहरा च आसी, उसकी द्विता मतलब बेटी, द्विता पुत्री, तो और उसकी एक पुत्री जो थी विनम्र थी, बहुत ही मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुल निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश चूचितापे तंडुलान खजव्यो रक्ष, देखिए हमारी माताएं थी है ना धूप में अन्न को सुखाती हैं, तो उसी प्रकार उस बच्ची की माँ आंगन में देखिए यहाँ पर चित्र मिल गया है ना, चावल के कणों को सुखाने के लिए दी और अपनी बच्ची को आदेश दिया जो भी बच्ची है पुत्री आप इस चावल की रक्षा करना, क्योंकि जैसे ही कोई अनाज हम बिखेरते हैं तो बहुत सारी पशु पक्षी चिड़िया प्रायः जब उसमें से चुनने के लिए आ जाता है दाना चुनने के लिए, तो बोला उसकी माँ बोली कि तो भाई आप इसकी रक्षा करना। वही कहता है जो तस्या जो चौका दुर्ता उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी, एक बार माता स्थानियाम तंडुलाम क्षेत्र है ना, चावल को मतलब फैला करके पुत्री मार दिए, पुत्री को आदेश दू सूर्य तापे सूर्य के ताप में तंडुलाम खजेजो रक्ष, तंडुल को चिड़िया से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम तो के बाद और है तो का दो हो गया, किंचित कालात अनंतरम इस कुछ देर बाद एको विचित्र काका है ना समुद्र उद्य उड़कर ताम जो उपागम उसके नजदीक उस बच्ची के नजदीक जहाँ पे चावल की रक्षा करे चावल वहां पे आई पक्षी आए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया है
राजनीति दुईता पुत्री बेटी स्थालियम स्थाली पात्र थाली में थाली में थालिया में थाली में चावल के दाने खाने के लिए दी थी नीचे को मतलब रख कर थके दिया पक्षियों से समुद्र के पूर्व कर उपादगम समीप आया। अब आगे देखिए न एता नो न जोर एता दिश नैता दिश न जोर एता दिश नैता दिश स्वयं पक्षो रजत चंचु स्वयं काकत हया पूर्वक दृष्ट। वो बच्ची उस तरह के सुनहरे पंख वाले और चांदी के जैसे चमक वाले पक्षी को पहले नहीं देखी थी। कहता है नौ छोर एता दस नौ छोर नौ जोर एता दस नौ जोर एता दस ऐसे पक्षी को वह नहीं देखी नैता दस। यहां से देखिएगा जो नैता दस ऐसे पक्षी को पहले कभी नहीं देखी। तल तंगना खादंतम फसंतम चवियों बालिका रोधु मात्र पक्षी थी। वो पक्षी जो है उसके चावल को खा भी रहा था और हंस भी रहा था। वो बच्ची उसको भगा नहीं पा रही थी तो उसकी माँ बोली उसकी रक्षा करने के लिए रक्षा नहीं कर पा रही थी तो बच्ची रोने लगी रोधु है ना ते तंग तंग नाम वो जो थाली में तंगू चावल रखा था तंग तंग नाम खादन तंग फसल तंग खाते हुए और हंसते हुए विरोध किए देख कर बालिका रोधती माँ आरभ तंग मतलब उस पक्षी को तंग मतलब पक्षी खिलाया उस पक्षी को तंग चावल को खाते हुए हंसते हुए विरोध मतलब देखकर बालिका रोधती माँ आरभ रोना शुरू कर दिया। तंग निवारियन सा प्रार्थ्यत तंगना म भक्ष्य उसको रोक रही थी और कह रही थी चावल को मत खाओ है ना। तंग निवारियन उसको निवारण कर रही थी रोक रही थी सा प्रार्थ्य उसको प्रार्थना कर रही थी तंगना म भक्ष्य चावल को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते है ना मत जो मतलब मदिया मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रभात माँ सूचक वह स्वर्ण पक्षी सुनहरे पंख वाले जो पक्षी था तो बोला प्रभुवाच बोला माँ सूचक सूर्योदया प्राग ग्रामान बही पीपल वृक्ष बंधु त्वया आगंतव्यम कहते हैं चिंता मत करो माँ माँ सूचक चिंता मत करो सूर्योदया प्राग प्राग मतलब पहले सूर्योदय से पहले ग्रामात वही गांव के बाहर पीपल वृक्ष पीपल के पेड़ है ना त्वया आगंतव्यम पीपल का जो पेड़ है गांव से बाहर तुमको वहां पे आना चाहिए। त्वया आगंतव्यम वहां पर अहम तुभ्यम तुंडल मूल्यम दास्यम मैं जितना चावल तुम्हारा खाया उस उतने मूल्य उसका जो भी मूल्य होगा मैं तुमको दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्रा अपि न लेखे वह खुश हुई बालक और वह जो है उसे नींद नहीं आ रही थी कब कब कल सुबह हो जो वह वहां जाए। देखिए आप देखिए तो माँ सूर्य दुख मत करो सूर्य निकलने से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे समीप तुम आ जा मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। खुश हुई बालिका तो नींद भी नहीं आई थी तो प्रहसिता बालिका निद्रा मत ना ले गई उसे नींद भी नहीं आई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ भाई। अब वो सूर्योदय से पहले सूर्योदय पूर्व में सा तत्र उपस्थिता तत्र जोर उपस्थिता तत्र उपस्थिता तत्र जोर उपस्थिता सूर्योदय से पहले वह वहां पे उपस्थित हो गई जहां पे वो सुनहला पक्षी पंख वाला पक्षी उसको कहा था। सूर्योदय पूर्व में सूर्योदय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्ष सोपन विलोक सा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमय प्रसादों वर्तते वृक्ष के ऊपर वो कैसे देखती है वो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं उस पेड़ के नीचे सोने का प्रसाद महल है ना। कहता है वृक्षों से ऊपर विलोचित वृक्ष के ऊपर देख करके सा आश्चर्यचकिता संजाता वो आश्चर्यचकित हो गई यत्र जहां स्वर्णमय प्रसादा वर्तते वहां पर सोने का महल था। यदा काका सहित प्रभुस्तता तेन स्वर्ण गवाच
कर्तन हंसो बाने तो माना था जब कौआ सही का प्रबुद्ध है ना, जब वो कौआ सो करके उठा है ना, प्रबुद्ध मतलब उठा जगा, तब तेन स्वर्ण गवाच कर्तन अहो बाले, वह उस स्वर्ण गवाच मतलब सोने की खिड़की से झांक करके गवाच यहाँ पे तथा सोने की खिड़की से स्वर्ण गवाच है ना, गवाच मतलब खिड़की से झांक करके देख करके उस बच्ची को देख करके बोला तू आ गई तिष्ठ ठहरो अहम तत्ते सोपान अवतार्यम, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कत है ऐसा करकर स्वर्णमय रजत रजतमयुगम ताम्र वायंबा, तुम कहता है तुमको मैं सोपान मैं तुम तत्कते सोपान अवतार्यम, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अब तुम बोलो कि तुम्हारे लिए सोने का सीढ़ी दूँ या चांदी का सीढ़ी उतारूँ या तांबे का सीढ़ी उतारूँ, तुम किस सीढ़ी से ऊपर आना चाहते हो, ये कहने का मतलब हुआ। वो पूछता है तत कथे, वो बोला स्वर्णमयम रजत मयम ताम्रमयम वा कन्या प्रोवाचक अहम निर्धनम, मैं तो गरीब हूँ है ना, इसीलिए मैं ताम्र चमी ने मुझे तांबे का भी सीढ़ी दीजिए, परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवा भवान मासवदार है ना, यहाँ पे है जो लेकिन परंतु सोने की सीढ़ी से वो सोने के महल में पहुंचे। देखो उसका जांच हो रहा है किस सीढ़ी से, तो बोला मैं गरीब हूँ मुझे तांबे का ही दीजिए, लेकिन वह मांगा तांबे का लेकिन सोने का सीढ़ी से लेकर के उस महल में पहुंच गए। चिर काल उद्भव ने चित्र विचित्र वस्तुओं सदितान दृष्टवान सा विस्मय लगा, बहुत समय तक वो घर में विभिन्न प्रकार के चीजों को देखकर आश्चर्य से लग रहा था। श्रांता तान गुरु प्रातः ताम पूर्व लघु प्रातः सा क्रियताम वद तंग स्वर्ण स्थान्यां भोजन करिष्यति किं रजत स्थान्यां कि किं ताम्र स्थान्यं, वह जब बहुत देर भूमि को थक गई कहता है श्रांतं तान गुरु उसको थका हुआ देखकर कौआ प्रातः पूर्वं पहले उसे पूछा लघु प्रात दासर हल्का जलपान क्रियताम करो, तुम बोलो तुम स्वर्ण स्थान भोजन करिष्यामि सोने का थाली में भोजन करोगे या चांदी के रजत स्थान या तांबे के, तो फिर बच्ची बोलती है बालिका व्याधार ताम्र स्थान्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, हम गरीब तांबे के थाली में ही भोजन करते हैं। सदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थान्याम भोजनम पर वेषितम, वह बच्ची बहुत आश्चर्यचकित हुई। देखिए यहाँ पे तदा तब वह बच्ची आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा यानी जब स्वर्ण काकेन स्वर्णालय तोमे के द्वारा स्वर्ण स्थान्याम सोने के थाली में भोजन परोसा से नैतादृक स्वाद सुस्वादु भोजनमा बालिका खादितवती नैतादृक नौजोर एतादृक स्वादु भोजनम अद्यावत अद्यावत, देखिए यहाँ पे नौ जोर एतादृक नौ जोर एतादृक नैतादृक न ऐसा स्वादु भोजनम भोजनम जोर अद्य जोर अवध, आज तक के अवध में वह इस तरह के सुस्वाद भोजन नहीं की थी करी थी है ना। काको ब्रूते कौआ के द्वारा बोला गया बालिके अहम इच्छामि यत् त्वयं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परन्तु माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रं स्वगृहं गच्छ, कौआ बोला मैं बच्ची मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली हो जाएगी इसलिए तुम घर जाओ। देखिए काको ब्रूते कौआ बोला बालिके अहम इच्छा मैं इच्छा करता हूँ यत् त्वयं यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव नाहि तिष्ठ रहो पर परं परंतु लेकिन तब माता तुम्हारी माँ बढ़ते चेका होगी तुम्हारी माता एक दिन अकेली हो जाएगी, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ तुम जल्दी अपने घर जाओ। ये उक्त्वा कक्षा अभि
अंतरा तिस्त्रो मंजुषा निस्तार्य स्वांग प्रदत प्रगव्य प्रतिजोर अवदत प्रतिजोर अवदत प्रत्यवदत इत्युक्त्वा ऐसा बोलकर इतिजोर उक्त्वा कक्षा अभी अंतर कक्षा के अंदर से मतलब रूम से घर से घर के अंदर से तीन तिस्त्र मंजुषा तीन पेटी निस्तार्य निकाल कर तंग तांग प्रत्यवद गौवा उसको बोली तांग मतलब उस बच्ची को प्रतिजोर अवद बोली बाली के यथेक्षम गृहान मंजूषा में का इस तीनों मंजूषा में से तुमको जो मंजूषा जो पेटी अच्छा लगता है ले लो लघुतां मंजूषा प्रगिरा पालिकाया कवितम इदम मदीय गुरेतां मूल्यम वह छोटी सी पेटी लेकर के कहता है लघुतां मंजूषा प्रगिरह लेकर के प्रगिरह मतलब ग्रहण करके बालिक या लड़की के द्वारा कवितम इदम मदीय कंडला मूल्यम बोली यही मेरे चावल का मूल्य के लिए बहुत है। सबसे छोटी पेटी लेकर लड़की कहने लगी इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर अब आगे देखिए है ना जब वह गृह आकर घर आकर तया मंजूषा समुद्र घाटता घर आई तो छोटी सी पेटी को खोली तस्या महारानी हिरकान विरोचसा प्रहसिता तद नादिका ससन जाता मतलब उसको जब खोली तो उसमें बहुत सारे हीरे देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई है ना पीटी खोली उसे बहुफुल हीरे देखकर प्रसन्न हो गई और उस दिन से धनवान हो गई। उस दिन से वो क्या हो गई यहाँ पे कहता है तद दिनात है ना धनिका ससन जाता उस दिन से वह धनी हो गई। अब आप लोग जैसा देखते हो पड़ोसी जो होगा आपका आपके घर में क्या होता है आपको हो सकता है मालूम नहीं हो लेकिन आपको पड़ोसी को सब कुछ मालूम होता है ना ठीक है। तब क्या होगा अगल बगल पड़ोसी देख भाई ये गरीब महिला कैसे इतने धनी हो गई तो धीरे धीरे बात की पता लोगों को लग गया उसी में से अब पूछ दिया कि भाई कैसे हुआ तो बता दिया बच्ची कैसे हुआ कौ आया कहाँ है तो अब वो गए उसका पड़ोसी देखिए ये तो लोग नहीं थी का परिणाम देखिए कितना अच्छा उसको मिला रिजल्ट उसको सोना चांदी और तांबे के सीधी बोला तो बोला तांबा सोना तब किस थाली में खाओगे हम गरीब तांबे के थाली में खाते हैं तो उसे सोना का थाली में खाने के लिए मिला बोला कौन सा पेटी लोगे तो छोटी पेटी लेंगे। अब देखिए कच्ची बोलता क्या होता है तस्वीर में ग्रामे एक अपराध लुप्धा वृद्धा जनसद उसी गांव में एक दूसरी जो है सो लोभी बूढ़ी रहती थी तस्यात एका पुत्री आसीत उसकी भी एक बेटी थी ईर्ष्या सातस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य अभिज्ञातवती ईर्ष्या से किसी तरह वह उस सोने के कौवे की रहस्य तो रहस्य की बात की लेकिन वह किसी तरह उस बूढ़ी से उस बच्ची से जो जिसको वह मिला था सोने का हीरे जावरा उससे वो बना लिया तुमको कैसे मिला ठीक है। सूर्यता पे वह भी जो है अब क्या करती है उसी तरह अपने घर के आंगन में है ना चावल बिखेर करके बच्ची को कहती है उसके साथ भी वही बात होती है ना देखिए यहाँ पे सूर्यता पे तंडला निधि पर तयापि स्वसुकारक्षार्थम लुप्ता वह भी जो अपने चावल अपने थाली में अपने आंगन में चावल को सुखा देने खाने के लिए छोड़ करके अपनी बेटी को उसकी रक्षा करने के लिए बोल के चली गई। तथा स्वर्ण पक्ष काकम संलान भक्षण तामक तत्व आकल्य उसी प्रकार वह सोने का सुनहला पक्षी वहां पे आया प्रातस्त गत्वा स काकम निर्भत्यन प्रावोचन भो नीच काकम। अब देखिए वह सुबह पहुंच गई वहां पे और कौवा को आवाज हे नीच काम अहम आगता मध्यम तंडुलाम मूल्यम वृक्ष देखियो पहली बच्ची ने तो कुछ नहीं बोली थी क्योंकि आप खुद खिड़की से देखा बच्ची आ गई उसको बोला आ गई रुको मैं सीढ़ी देता हूँ लेकिन ये जाते ही बोली ए कौआ वो भी नीच ऐसे नीच कौआ तू मेरा लाओ चावल का लाओ देखिए यहाँ पे पता है प्रातः तत्व शुद्ध प्रातः जो तत्व प्रातस्तर सुबह में ही गत्वा सा वह जाकर वहाँ काकल निर्भर्ष यंत्र उसको निर्भर्षना जोर से बोलते हुए बोली मतलब निंदा करते हुए बोली
निर्भर्षण है ना, भर्सना करते हुए बोली ए नीच का अहम आगता मैं आ गया है ना, मह्यम तंदुर मूल्यम प्रेक्षत मेरा चावल का मूल्य दो काका अब अभी अहम उपस्थिते सोपानम उतारियाम मैं तुम्हारे लिए सीधी उतारता हूँ। तत्कत है स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम का बोलो कौन सा सीधी से तुम आओगे ऊपर। गवर्तिका बालिका प्रोक्तम स्वर्ण ये सोपान आगचम परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपान वयम वो सोना का सीढ़ी मांगी तो वह उसको ताम्रे का समझ के जो भी ये देखिए उसे भी वही प्रश्न पूछा तो किस सीढ़ी से उतरोगे तो बोला हम तांबे की सीढ़ी से उतरेंगे। स्वर्ण अब जब भोजन किया प्रातः समय जलपान का समय हुआ तो बोला किस थाली में करोगे तो सोने के थाली में करेंगे उसने तांबे के थाली में दिया। प्रतिनिखित वाले स्वर्ण का केल कक्षा भी अंतर है और जब वो जाने लगी बच्ची तो तब वही अपने रूम के अंदर से घर के अंदर से तीन बक्सा लाया है ना। प्रतिनिवृत्त काले मतलब भोजन जलपान करने के बाद जब जब बच्ची के जाने का समय होगा जब जाने लगे तब वह स्वर्ण काके सोने के कौवे के द्वारा है ना कक्षा अभी अंतर तिस्त्र कक्षे के अंदर से घर के अंदर से तीन मंजूसा तीन पेटी तत्पुर समुद्रता उस बच्ची के सागे में रख दी। लोभा बिस्ता सा वृत्तमा मंजूसा गृह लोभ से बड़ा बक्सा उठाई हुई गृह आगत सा हर्षिता यावत मंजूसाम उद्घाटयति घर आकर गृहम जोरागत सा हर्षिता वो खुशी से जब मंजूसाम उद्घाटयति पेटी को खोलती है तावत पश्याम है ना तावत उसी समय भीषण कृष्ण तत्व को विलोकता बड़ा सा एक काला सा वो देखी। लुभया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम और उसका उसे लोभ का फल मिल गया। जैसे पेटी खोलेगा काला सांप भयंकर होगा तो क्या होगा आप जानते ही होंगे। तदंतरम सा लोभां पड़ गया उसे लोभ का जो परिणाम है सो उसे मिल गया उसके बाद लोभ को उसने छोड़ दिया तो अब लोभ नहीं करना चाहिए। इस तरह हम लोग देखा जो भाई आपको बिना मेहनत का कुछ मिल रहा है तो वैसे नहीं मिल रहा है इसके पीछे उस पर लोभ नहीं करना चाहिए इसका परिणाम। थैंक यू।